देखो हम लोग पैरामीट्रिक के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमको बात अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है x बराबर माइनस टू टी प्लस कॉस पाई वाई टू टी, वाई बराबर टी रेस टू दी पावर फोर माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस एट टी। ठीक है, मान लो हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, है ना। इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा मिनिमा मान लो चाहिए। देखो ध्यान दो, मैंने बताया था अभी आपको कि हम ऐसा कर सकते हैं, देखो कि सिर्फ इस वाले फंक्शन को देखें, y बराबर t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t। देखो dy by dt निकालोगे तो 4t क्यूब माइनस 12t प्लस 8, है ना। 4t की पावर 3 माइनस 12t प्लस 8। देखो यहां से 4 कॉमन हो गया तो t क्यूब माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, देखो ये d by dt आ गया। अब देखो अगर हम d by dt को जीरो करें तो क्या होगा, देखो 4 ब्रैकेट में t क्यूब माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0, 4 डिवाइड कर दिया तो t क्यूब माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0। देखो अब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके t निकालें, है ना। देखो क्यूबिक इक्वेशन हमारे सामने है, टी क्यूब माइनस थ्री टी प्लस टू बराबर जीरो। देखो जैसे टी बराबर वन रखने पर ये जीरो हो रहा है, तो टी बराबर वन इसका एक रूट हो गया, है ना। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड यही होता है, हमेशा पहले चेक किया जाता है कि क्या वैल्यू रखने से जीरो हो रहा है। देखो टी को वन रखेंगे टर्म जीरो होगा, तो मतलब टी बराबर वन इसका रूट है, तो हम क्या करेंगे, देखो टी माइनस वन से इसको डिवाइड कर दें, टी क्यूब माइनस थ्री टी प्लस टू। देखो ऐसे, अब देखो क्या हुआ, पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो क्या आएगा, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ऐसे किया तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू। अब फिर से देखो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, देखो टी आएगा, ये तरीका होता है डिवीजन करने का, है ना। अब उसके बाद टी से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टी स्क्वायर माइनस टी, माइनस कर दो माइनस प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, देखो ये हुआ माइनस का टू टी प्लस टू। फिर देखो वही है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो माइनस टू आएगा, माइनस टू से इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू टी प्लस टू। देखो ये प्लस माइनस, देखो सबको जीरो आ गया, मतलब इसका देखो एक फैक्टर ये हो गया t माइनस वन, और देखो इसका दूसरा फैक्टर ये हो गया t स्क्वायर प्लस t माइनस टू बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो यहां से इसके फिर से फैक्टर कर लो तो हो जाएगा क्या, बोलो t प्लस वन और t माइनस टू बराबर जीरो, उल्टा हो गया, ये t माइनस वन होगा, t प्लस वन होगा। देखो इसके दो फैक्टर फिर से ये हो गए, है ना। देखो यहां से क्या हुआ कि हमें t की दो वैल्यू मिली, एक मिला t बराबर 1 और एक मिला t बराबर माइनस 2। ठीक है, देखो अब जैसे अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो चाहे तो अब हमें इस फंक्शन को करना है, चाहे डबल डेरिवेटिव से करो या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा d by dt है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसी के देखो ये फैक्टर्स हो गए, क्या क्या देखो फैक्टर हो गए, t माइनस वन और t प्लस टू। देखो ये हो गया 4 ब्रैकेट में t माइनस वन का होल स्क्वायर और t प्लस टू, देखो ये इसके फैक्टर हो गए। मतलब हमने d बाई डी टी को ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से इसको देख सकते हैं, है ना। दो क्या हुआ, एक पॉइंट वन है टी की वैल्यू वन, एक पॉइंट है माइनस टू। देखो ऐसे करना होगा, देखो क्या हो रहा है, वन पर पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि देखो पावर टू है, होल स्क्वायर है, वन पर साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, इस पर साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी पावर टू है, इवन पावर पर वेरिकल मेथड में साइन चेंज नहीं होता है, और यहां से माइनस टू है, देखो माइनस टू पर साइन चेंज होगा। ठीक है, प्लस प्लस फिर माइनस। अब देखो क्या हो रहा है,
माइनस टू पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस से प्लस हो रहा है, और माइनस से प्लस होने का मतलब देखो ये होता है यहाँ पर है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए देखो माइनस से प्लस हो रहा है, तो माइनस से प्लस होने का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पर कि ये फंक्शन देखो माइनस टू पर मिनिमम है, मिनिमम ठीक, और वन पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये टी की वैल्यू के लिए निकाला हमने, मतलब ये हमने टी की वैल्यू के लिए निकाला, मतलब टी बराबर माइनस टू पर मिनिमम है और टी बराबर वन पर कुछ भी नहीं, नथिंग ठीक है। देखो ये हमने टी की वैल्यू ली, अब देखो इस टी की वैल्यू को हम एक्स में ट्रांसफर कर दें, जैसे एक्स इन टर्म्स ऑफ टी देखो ये दिया गया, अगर हम टी को माइनस टू ले देखे एक्स क्या होगा, रखो उसमें वैल्यू देखो फोर, और टी को माइनस टू लेंगे तो क्या होगा बोलो, कॉस ऑफ माइनस पाई, तो फोर कॉस माइनस पाई का मतलब कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो देखो थ्री, मतलब टी बराबर माइनस टू या एक्स बराबर थ्री पर, एक्स बराबर थ्री पर देखो क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम ध्यान दो, क्योंकि टी बराबर माइनस टू पर देखो लोकल मिनिमम है, तो टी बराबर माइनस टू रखने से एक्स की वैल्यू थ्री आ गई, मतलब टी बराबर माइनस टू पर या एक्स बराबर थ्री पर लोकल मिनिमम है। देखो टी बराबर वन रखे देखे एक्स क्या होगा, टी बराबर वन देखो इसमें एक्स में रखो क्या होगा, देखो टी बराबर माइनस टी बराबर वन एक्स में रखो क्या बोलो, माइनस टू प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू क्या होता जीरो देखो माइनस टू, तो मतलब t बराबर 1 पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस टू पर कुछ भी नहीं है, है ना, t बराबर 1 पर कुछ भी नहीं, यानी x बराबर माइनस टू पर कुछ भी नहीं, नो मैक्सिमा नो मिनिमा है ना, और t इक्वल टू माइनस टू पर या x इक्वल टू थ्री पर देखो हम कह सकते हैं कि लोकल मिनिमा होगा इस फंक्शन का। तो हमने क्या किया, x से मतलब नहीं है, y वाले फंक्शन का ही मिनिमम मैक्सिमा निकाल दिया, और उसी से देखो हमें क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया है ना। हाँ, बाद में t की हेल्प से क्वेश्चन को x में ट्रांसफर किया, क्योंकि सवाल x के लिए आता है, x के किस पॉइंट पर मिनिमा है या x के किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, क्योंकि लास्ट में फाइनल आंसर हमें x के टर्म में लिखना होता है, इसलिए देखो हमने क्या किया पूरे के पूरे क्वेश्चन को x में ट्रांसफर कर दिया है ना, पहले y इन टर्म्स ऑफ t को किया मैक्सिमा मिनिमा निकाला, फिर हमने क्वेश्चन को x में ट्रांसफर कर दिया। तो इस टाइप के पैरामीट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं हमेशा। हाँ, एक बात और ध्यान दे देना, क्या कि इस पॉइंट पर dx by dt जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान देना। देखो ये भी चेक कर लेते हैं, देखो t की दो वैल्यू मिली ना, 1 और माइनस 2, तो इन पॉइंट्स पर d by dt जीरो नहीं होना चाहिए, dx by dt, देखो चेक कर लेते हैं इस बात को भी। देखो क्या हुआ, जैसे dx by dt निकालें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू और इंटू पाई बाई टू। देखो जैसे अगर हम t को वन रखें है ना, t को वन रखेंगे देखो dx by dt क्या आएगा, माइनस टू साइन पाई बाई टू वन और देखो माइनस का पाई बाई टू, देखो जीरो नहीं है। इसी प्रकार टी बराबर माइनस टू रखें, देखें डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, ये हुआ माइनस टू, टी बराबर माइनस टू रखोगे देखो टू से टू कैंसिल, साइन पाई आएगा जो जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू मतलब जीरो नहीं है। देखो ये दो पॉइंट जो मिले थे, इन दोनों पॉइंट पर डी एक्स बाई डी टी जीरो नहीं आ रहा, ये देखना पड़ेगा, तभी उन पर आगे हम मैक्सिमा या मिनिमा की कार्रवाई करेंगे, ध्यान देना ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पर देखो dx by dt जीरो नहीं आ रहा, वो हमने बाद में चेक कर लिया, हालांकि पहले ही चेक करना चाहिए था, मैक्सिमा मिनिमा निकालने से पहले ही ये बात चेक कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो खैर बाद में चेक कर ली तो बात वही है, ठीक है। लिखो बच्चों फटाफट जल्दी से बच्चे।